नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस जॉब के अपडेट लेके आया हूँ। और आज का जो जॉब है वो इंडियन आर्मी से आया हुआ है और करीबन 25,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन और उसके लिए आपका एज लिमिट क्या चाहिए और इसके लिए आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं जॉब के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कंप्यूटर स्किल को सीखकर कोई भी प्राइवेट जगह पे आप जॉब करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर स्किल को सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज पूरा के पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ इसी चैनल के माध्यम से, वो सीरीज आपको देखने को मिलेगा, जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो इंडियन आर्मी से जो रिक्रूटमेंट है वो आप देखेंगे तो टोटल 25,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है, जहाँ पे आपको जनरल ड्यूटी और उसके साथ साथ क्लार्क के पोस्ट, टेक्निकल पोस्ट, ट्रेड्समैन का पोस्ट, तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे मजेदार बात है जब भी अप्लाई करेंगे तो आपका एज लिमिट 17.5 से लेकर 21 तक दिया गया है, मतलब आपको एक मिनिमम एज लिमिट दिया गया है और उस एज लिमिट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन के लिए रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, इस सारे एग्जामिनेशन को आपको पास आउट करना होगा तभी आप फाइनली सिलेक्शन हो पाएंगे। और सैलरी के लिए आपको 22,000 से करीबन 1,05,000 तक पर मंथ आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। अभी देखिए ये जो सैलरी पैकेज है आपको जॉब पाने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कितने आपको सैलरी मिलेगा। एप्लीकेशन के लिए आपको SC ST OBC एक सर्विसमैन और अदर्स कैटेगरी सबके लिए आपको 550 रुपीज आपको चार्जेस देना होगा, एग्जामिनेशन चार्जेस आपको देना होगा। और वो भी एप्लीकेशन का जो चार्जेस है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से दे सकते हैं। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आपका जो मतलब क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड आप पास आउट कर चुके तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने का सॉरी एप्लीकेशन के लिए आपको जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे चुका हूँ, इस लिंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इस लिंक में जाकर जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, तो उसमें आपको जाना है, आपको लिखना है ये जो आपको कैप्चर कोड दिया गया है इसको आपको लिखना है। तो आप जब कैप्चर कोड को एंटर करेंगे तो वेबसाइट आप विजिट कर लेंगे, तो वेबसाइट में जाकर आपको यहाँ पे अप्लाई बटन दिखेगा, अप्लाई का लिंक दिखेगा, उसमें जाकर आपको क्लिक करना है। तो आप जिस पोस्ट में जैसे देखिए आप चेक करने के लिए बोला जा रहा है आपका एलिजिबिलिटी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके एलिजिबिलिटी चेक करना है। तो आप एलिजिबिलिटी चेक करिए उसके बाद अप्लाई करिए। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिले, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।